एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अब धनतेरस आने वाली है और धनतेरस वाले दिन लोग बहुत कुछ खरीदते हैं, सोना चांदी बहुत सारी चीज़ें। क्या आप लोग कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं खरीदते, जिसे खरीदने से आपकी घर में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, मनी आने वाला है, अबंडेंस आने वाला है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी धनतेरस पर आपको रियलिटी में क्या खरीदना चाहिए, जिससे आपके घर में बढ़ोतरी हो, आपके घर में बरकत हो, आपके घर में पैसा आए, आपकी किस्मत चमक जाए। और एक दो उपाय ऐसे शॉर्ट शॉर्ट देने वाली हूँ जिससे आपको मनी रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सारी खत्म हो जाए। तो धनतेरस पे क्या करें, क्या ना करें और धनतेरस पे क्या उपाय करें, ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। पर उससे पहले ये जान लीजिए मैं कौन, मैं शालिनी गुप्ता वास्तु कंसल्टेंट। नमस्ते आप सबको, मेरा आशा करते हैं आप लोगों में सब सही होंगे, मजे में होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ भी, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। दोस्तों चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों मैं आज आपसे वीडियो में बताने वाली हूँ धनतेरस जो कि है 10 तारीख को, और उस दिन आप लोगों को क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, क्या क्या उपाय आप लोगों को करने चाहिए, और सबसे बड़ी बात ये उपाय करते ही आपकी लाइफ में ना मनी से रिलेटेड मैजिक होना स्टार्ट हो जाएंगे। चलो वीडियो में चलते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। सबसे पहले आप लोग जो भी खरीदते हैं, सोना चांदी जो भी आपका मान्यता है, आपको लगता है हर महीने हम खरीदते हैं, क्योंकि काफी सारे लोग डिसाइड करना स्टार्ट कर देते हैं बर्तन लेना है और इस धनतेरस आने वाला है तो इस धनतेरस हम ये वाले बर्तन लेने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या ध्यान देना है कि शार्प चीजें नहीं लेनी है, जैसे चाकू लोग बहुत लोग खरीद लेते हैं। मतलब आप कभी भी खरीदिए पर धनतेरस वाले दिन चाकू छुरी और कैंची वगैरह ये सब ना खरीदें, क्योंकि इसे खरीदने से आपके घर में हो सकता है मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाए, डेट्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाए। दिवाली की आप जो भी शॉपिंग करते हैं तो कोशिश कीजिए धनतेरस वाले दिन करिए, वो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो सबसे पहले मैं चीज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपको सबसे पहले क्या खरीदना है। सबसे पहले आपने खरीदना है सूखा धनिया। जी हाँ, अगर आपको सूखा धनिया जो बीज वाला धनिया होता है वो अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बाहर आपके मार्केट में इजीली मिल जाता है, सारी शॉप्स में मिल जाता है, वो आप खरीद के जरूर लेकर आइए। धनतेरस वाले दिन पूजा करिए और नेक्स्ट डे इसको अपने घर में बो दीजिए। जैसे जैसे धनिया उगना स्टार्ट होगा वैसे वैसे आपके घर में प्रॉस्पेरिटी आना स्टार्ट हो जाएगी। चलते हैं दूसरी चीज की तरफ जो कि है झाड़ू। क्या जानते हैं झाड़ू माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, बहुत। तो आप लोग कुछ खरीदे ना खरीदे इस दिन एक झाड़ू जरूर खरीद लेना, और वो झाड़ू उस दिन खरीद कर आपने नेक्स्ट डे से अपने घर में यूज करना स्टार्ट कर देना है। पुरानी झाड़ू को आप निकाल सकते हैं और इस दिन आप नई झाड़ू खरीदे देंगे तो आपके घर में प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, अबंडेंस भी आएगी, माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होना स्टार्ट हो जाएंगी। चलते हैं तीसरे की तरफ। तीसरा उपाय है आपको खरीदनी है 13 कौड़ियां। अब ये 13 कौड़ियां आपको पीली मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप बाजार से सफेद कौड़ियां ले आइएगा। धनतेरस वाले दिन आपको 13 दीपक जलाने हैं, अपने घर के हर कोने में दीपक जलाने हैं, 13 दीपक रात को जलाने हैं। साथ में वो आपकी जो कौड़ियां, अगर आपको पीली कौड़ियां नहीं मिलती तो सफेद कौड़ियों को हल्दी के पानी में डुबो के रखिए और उसे पीला कर लीजिए। अब आपको वो हर दीपक के पास एक एक कौड़ियां रखनी है, नेक्स्ट डे आपने उन कौड़ियों को कहीं पर भी अपने घर में कहीं पर भी दबा दीजिए, किसी गमले में दबा सकते हैं या मिट्टी में दबा सकते हैं, घर में कहीं पर भी दबा सकते हैं। तुरंत की तुरंत कैश फ्लो आना स्टार्ट हो जाएगा, धन वृद्धि होना शुरू हो जाएगी, कर्जे हैं तो उतर जाएंगे। बहुत शॉर्ट शॉर्ट ये उपाय है, इसको करिएगा जरूर और आपके घर में देखना कैसे धन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स खत्म होती हैं। चलते हैं चौथे की तरफ। हल्दी की सूखी गांठें 5 लेकर आ जाइएगा और इसको धनतेरस वाले दिन पूजा करने के बाद जहां पर भी आप मनी रखते हो वहां पे रखना स्टार्ट कर दीजिए और देखिए मनी में कैसे बढ़ोतरी होती है, कैश फ्लो आना स्टार्ट हो जाता है। इन उपाय में से अगर आप एक दो भी करेंगे तो भी चलेगा, और जो लोग सारे करना चाहते हैं तो आप लोग सारे भी कर सकते हैं, बट आपको धनतेरस वाले दिन ही खरीदना है, इस बात का खास ख्याल रखना है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। धनतेरस वाले दिन अगर आप बर्तन खरीदते हैं, आप सोना चांदी जो भी खरीदते हैं खरीदिए जरूर, बट आप एक नमक की थैली जरूर ले आइएगा और उस नमक की थैली को आपने धनतेरस वाले दिन लाकर जो नमक आप इस्तेमाल करते हैं आधा नमक उसमें डाल दीजिए और एक छोटा सा जार लेंगे उसमें नमक डालेंगे और नमक डाल के उसको अपने किचन के नॉर्थ में रखना स्टार्ट करो और देखो कैसे धन आपके पास धर 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 करके आता है, खूब सारा पैसा आता है,
खूब मजेदार आपकी जिंदगी जाने वाली है, खूब अच्छे से रहेगी, कोई लाइफ में पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगा। और उस नॉर्थ में जब आपने वो नमक को रखा हुआ है उसको वैसे ही रखे रहने दो, और आप ऐसा भी कर सकते हो कुछ टाइम बाद नया नमक का पैकेट लाओगे तो जो वो वाला पुराना नमक है वो वापस यूज करना स्टार्ट कर देंगे और दूसरा नमक का पैकेट जो है नॉर्थ वाले डब्बे में डालते रहेंगे। तो ये आप साइकिल करते रहेंगे, उससे नमक भी खराब नहीं होगा, यूज भी होगा और आपके घर में बरकत बनी रहेगी। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब जो ये नेक्स्ट है वो है एक शॉर्ट शॉर्ट आपके लिए रेमेडी। आपने लेना है 21 दाने चावल के, लाल कपड़े में बांध के छोटी सी पोटली बना लीजिए और उसको उठा के रख दीजिए धनतेरस वाले दिन पूजा के स्थान पर। और उस टाइम पूजा कर कर नेक्स्ट डे सुबह सुबह मॉर्निंग में नहा धो के आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। अगर चाहते हैं तिजोरी धन से भरी रहे, मनी से भरी रहे, पैसों से भरी रहे, तो जरूर इस उपाय को करिएगा और आप इसके साथ इस उपाय के जो रिजल्ट आएंगे वो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। और अब चलते हैं लास्ट उपाय की तरफ जो कि है लौंग का उपाय। ये लौंग उपाय का करना है आपको धनतेरस वाले दिन माता लक्ष्मी जी को जरूर चढ़ाए 2 जोड़ा लौंग। आप देखेंगे ये उपाय करते ही आपके घर में कैश फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, पैसा आना शुरू हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें जो करनी है नहीं करनी और उपाय ये आपको जरूर रिजल्ट देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।